कि आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। नमस्कार मित्रों, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के बाद चुनी हुई सरकार को ठीक से चला पाएंगे? ये सवाल आज करोड़ों भारतीय के मन में है कि क्या प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है, प्रधानमंत्री के लिए काम करने का तौर तरीका है, क्योंकि पहली बार उनको एक बड़ी चुनौती मिल रही है कि विपक्ष बहुत ज्यादा ताकतवर है और उनके पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े पूरे नहीं हैं। उनको अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और समस्याएं कई हैं सामने उनके, उन समस्याओं का सामना भी करना है। आज इन परिस्थितियों के बीच में राहुल गांधी ने एक ऐसा सवाल उठा दिया है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है आज, ये वही सवाल है जो सैकड़ों लोग पूछ रहे थे, लाखों लोग के दिमाग में चल रहा था, ये वही सवाल है। लेकिन राहुल गांधी ने इस सवाल को कुछ और तरीके से, कुछ और परिप्रेक्ष्य में रखा है। बात तो नीट और नेट पेपर के लीक हो जाने की थी, लेकिन कहां तक पहुंची है और क्या बात होने लगी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की चुनौतियों को लेकर, राहुल गांधी किस तरह के चैलेंजेस फेस करने की तैयारी कर रहे हैं और कितने ताकतवर विपक्ष नेता के रूप में साबित होंगे, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे उनको, ये हम समझेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं, राहुल गांधी के तेवर को देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर उनके तेवर किस तरह के हैं। आपने जो नरेंद्र मोदी जी की का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मानना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। अब अगर वाजपेयी जैसे लीडर होते, जो जिनमें ह्यूमिलिटी थी, मनमोहन सिंह जी जैसे जिनमें ह्यूमिलिटी थी, लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे, ऐसी सिचुएशन वो काम निकाल सकते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना फोर्स काम नहीं कर सकते। तो ये अब मामला है। और दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है, तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। तो पेपर लीक के बहाने राहुल गांधी ने अपनी भूमिका संभाल ली है। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी ये भूमिका बनती है कि वो ऐसे सवाल पर खड़े हो जाए, डटकर खड़े हो जाए, जो सवाल लोगों के हैं। और ये सवाल तो नौजवानों का है,
और उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान तमाम नौजवानों से मुलाकात की थी और तमाम देश के तमाम नौजवानों ने उनको अपनी समस्या बताई थी। और इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की वो है सरकारी नौकरियों में जो है नियुक्ति का मामला, और उस नियुक्ति की प्रक्रिया में पेपर लीक का हो जाना, पेपर लीक होना एक बड़ी समस्या बन गई है। एक ऐसा सिस्टम सा बन गया है जिसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है, और राहुल गांधी ने आज उस समस्या को बड़े जोर शोर से उठाया है। राहुल गांधी ने इस समस्या की वकायदा व्याख्या भी की है और इसको व्यापम घोटाले से भी जोड़ा है। आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह से एक व्यापम घोटाला हुआ था, भर्तियों का मामला था, और किस तरह से भर्तियों में, नियुक्तियों में, किस तरह से एडमिशंस में किस तरह से घोटाले चल रहे थे, और उसके घोटाले का जब पर्दाफाश करने के लिए जांच शुरू हुई तो उसके बाद हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा। तो व्यापम आप सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा घोटाला था मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी ने उसकी तुलना की है कि अब पूरे देश के स्तर पर एक व्यापम घोटाले की तैयारी हो गई, और ये समस्या क्यों पैदा हुई उसका भी उन्होंने उसके बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जैसे संस्थाओं पर इस सरकार ने अलग अलग संस्थाओं पे, एजेंसियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कर लिया है, उस तरह से एजुकेशन सिस्टम पर भी इस सरकार ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है। और उसके कब्जा करने का तरीका यह है कि एक विचारधारा के लोगों को उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में टॉप मोस्ट पोजिशन पे बैठा दिया है। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले, जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है, अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है, और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमने ये भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं। और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए, मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं, और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है। और इसका आप एपिसेंटर देखिए, पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है, तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। और राहुल गांधी का कहना है कि जब तक इसको रिवाइज नहीं किया जाएगा, इसको रिवाइव नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसमें किसी तरह की जांच मदद नहीं कर सकती है, इसमें किसी तरह का छोटा मोटा बदलाव इससे कुछ नहीं हो सकता है, या इसको लेकर कोई नया कानून बनाने की जरूरत भी नहीं है। उनका सीधे सीधे कहना है कि इस सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। इस सिस्टम में जो लोग आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि विचारधारा के आधार पर जिनको रख लिया गया है एजुकेशन सिस्टम में, की पोजिशंस पे उनको बैठा दिया गया है, वो लोग मेडियोकर हैं,
उनकी जगह पर ईमानदार लोगों को लाए जाने की जरूरत है। अगर ईमानदार लोग आएंगे, ईमानदार लोग अगर इस तरह की परीक्षाओं का आयोजन करेंगे तो उसमें गड़बड़ियां नहीं होंगी, और ये काम वो करके रहेंगे, ऐसा भी उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि हमें जनता ने ताकत दी है, विपक्ष आज मजबूत है और वो इस काम में पीछे हटने वाले नहीं है। ये उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव ऑनेस्ट इम्पार्शल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और सत्र से पहले ही विपक्ष के नेता के तौर पर, अभी ये तय नहीं हुआ है कि राहुल गांधी विपक्षी दल के नेता रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो विपक्षी दल के नेता रहते हैं तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि विपक्षी नेता के तौर पर जो भूमिका होनी चाहिए थी, राहुल गांधी ने वो भूमिका संभाल ली है। और आज जिस तरह से आकर उन्होंने अटैक किया सरकार पर, जिस तरह से उन्होंने सरकार की कमियों के बारे में बात की, उससे साफ हो गया है कि वो अपनी भूमिका को समझ रहे हैं, और न केवल समझ रहे हैं बल्कि मजबूती से निभाने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की स्थिति आप देख रहे हैं। जिस तरह से सवाल उठाया गया कि बनारस में उनकी यात्रा के दरमियान उनके काफिले पर चप्पल फेंके गए, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो रही है, लेकिन अखबारों में, कुछ अखबारों में इसकी रिपोर्ट भी आई है। तो इस तरह की अगर नरेंद्र मोदी की स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये सरकार कैसे चलेगी, और इस सरकार को चलते हुए देखना, इस सरकार को काम करते हुए देखना, और विपक्ष को इस सरकार को मॉनिटर करते हुए देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।